हरदोई में BHEL कारखाना कैंपस में चप्पे चप्पे पर CRSF का कड़ा पहरा, उसके बाद 1 करोड़ का सामान चोरी कर लिया गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पूरे प्रकरण में भेल में अफसरसान के गरेपा पर भी उंगली उठाना लाजमी। हालांकि ये पुलिसिया तफ्तीश में साफ हो गया है। माना जा रहा है कि चोरी का पटा शेप होने पर कई दामन दागदार हो सकते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार बेशकीमती सामान तक कैसे पहुंचे चोर और कैसे चोर की वारदात को चुटकियों में अंजाम देकर चले जाते हैं। BHEL प्रशासन द्वारा पुलिस को एक कंप्लेन रानीपुर थाने में दी गई, जिसमें इनके कुछ वैल्यूबल्स जो आवश्यक जो इनकी इन्वेंट्री थी वो चोरी की गई है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल अभी पंजीकृत किया है और सारे वेयर अबाउट्स हम लोग चेक करा रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस में करीब 1.7 टन, करीब 17 क्विंटल के आसपास जो लौह धातु है, टाइटेनियम की धातु है, वो यहाँ से चोरी हुई है, स्टिक्स जो है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आसपास के इलाकों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से मधुबन आश्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। भगवान का जन्म उत्सव होता है, भगवान को फिर दूध दही घी मधु फल का रस गौमूत्र गाय गोबर इत्यादि से भगवान का महाभिषेक होता है। उसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहना के भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को, और उसके पश्चात आरती, भगवान की आरती होने के बाद भगवान को विश्राम कराया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा दिन भर का कार्यक्रम जो है भगवान का जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मठ मंदिरों में अच्छी भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने घर घर छोटे छोटे बच्चों को श्री कृष्ण बनाकर उनकी झलक देखकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सोमेराधेश्वर गिरी जी महाराज ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। आज ही वही योग है जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर था। उत्तराखंड में इन दिनों केदारनाथ धाम में सोना चोरी के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक ओर जहां विपक्ष के नेता 228 किलो सोना चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इसको लेकर सफाई भी दी जा रही है। दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी, जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा, जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोहतरा ने निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की पैरवी की है। ज्योति रोहतरा ने कहा कि महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता सक्रिय है उनको निकाय चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। आरक्षण आपका तय नहीं हो पाया है और मुझे लगता है कि सरकार इंटेंशनली निकाय चुनाव को धीरे धीरे पीछे करना चाह रही है। उनको लगता है कि उनको पता है कि आज उनके खिलाफ माहौल है। महिला कांग्रेस हमारी जो भी वर्कर महिलाएं एक्टिवली संगठन के लिए और क्षेत्र में काम कर रही है, मैं अपने जो सीनियर लीडरशिप है उनकी उनसे जरूर ये बोलूंगी कि हमारी जो महिलाएं संगठन की है पार्टी की महिलाएं उनको टिकट दिया जाए। जिले के कस्बा भांडेर के गांव बडेरा सोपान में रविवार रात गांव के लगभग 2 दर्जन भर लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। सभी को भांडेर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। गंभीर हालत देखते हुए कुछ लोगों को दतिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हर छठे के चलते ग्रामीण महिलाओं में व्रत में समा के चावल खाए थे और गाँव के जिन लोगों ने चावल खाए थे उनकी तबियत बिगड़ने लगी। पेशेंट आए ज्यादातर महिलाएं हैं, कुछ भंडेर के भी हैं, कुछ बडेरा सोपान गाँव से आए हैं। इन्होंने वो कुछ चावल होते हैं समाई के चावल व्रत में उपयोग किया जाता है, उनका सेवन किया, उसके बाद लोगों को चक्कर और उल्टी की समस्या आई है। तो अभी लगभग 10 पेशेंट अपने पास आए हैं, तो अभी प्राथमिक उपचार के बाद ज़्यादातर ठीक हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है कि कुछ दिक्कत आती है तो उसको हम रेफर कर देंगे। काजगर में भाद कृष्ण पक्षी अष्टमी के अवसर पर पूरे देश में मुरलीधर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद गोपाल के जन्मदिन को लेकर काजगंज में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी थी। वैसे तो कई दिनों से जन्माष्टमी की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म मनाने वाले श्रद्धालुओं ने जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां लगभग पूरी कर ली। वहीं जन्माष्टमी को लेकर जहां एक और जनपद के सभी मंदिरों में सजावट जरूर से चल रही थी, तो वहीं सभी थाना जिला कारागार पुलिस लाइन में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां बखूबी देखी गई। सुल्तानपुर में मकान निर्माण करवाते समय पड़ोसी की बाउंड्री वॉल ढह गई। इस घटना में मकान निर्माण के मालिक समेत 6 मजदूर घायल हो गए। आनंद फानंद में सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। हमारे पास 5 लोग आए हैं जिसमें 2 की स्थिति गंभीर है, उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है और 1 मरीज को भर्ती किया गया है, बाकी 2 ठीक हैं। जो रेफर हुए उनका नाम मदन लाल है और 1 विद्यावती है। ऐसे घायल हुए? घर वाले कह रहे हैं कि दीवार गिर गई है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो दीवार गिर गई, इस वजह से वो इंजरी हो गई। मनसा देवी रोड पर 10 फुट का अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया अजगर का रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। बरसात के चलते आबादी में घुस रहे जंगली जानवर।
कानपुर से खबर जहाँ राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार 26 अगस्त को अपने को बेड़ियों में जकड़कर गांधी प्रतिमा फुलबाग से लखनऊ मुख्यालय आवास तक अपने को बेड़ियों में जकड़कर हाथ में ये अंधा कानून है कि तख्तियां लेकर शांति मार्च निकालते हुए नजर आए। दिव्यांगजन के उत्पीड़न के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग को लेकर वीरेंद्र कुमार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर हो चाहे पुलिस उपायुक्त हो, सभी से आश्वासन मिल चुका है और कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हमें ये लगता है कि माफिया, बिल्डर, भूमाफिया, इनके प्रेशर में पुलिस काम कर रही है, जिसकी वजह से FIR नहीं दर्ज हो पा रही। CCTV फुटेज को जांच में नहीं शामिल किया जाता है, जो दस्तावेज दिए जाते हैं वो जांच में नहीं शामिल किया जाता है और FIR नहीं दर्ज की जाती है। कभी कहा जाता है कि लीगल एडवाइस के लिए भेजा गया है, जब कानूनी सलाह के लिए भेजा गया है तो कितने दिन में कानूनी सलाह की रिपोर्ट आएगी। कानपुर में 26 अगस्त को शिया मुस्लिम समाज के लोगों ने एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन अरबाइन का इस साल 25 अगस्त की शाम को विधा से आयोजन किया गया। अरबाइन, जिसका शाब्दिक अर्थ 40 होता है, पैगंबर मोहम्मद के बोते हुसैन इब्न अली, जिन्हें शिया परंपरा में किसी इमाम के रूप में सम्मानित किया जाता है, कि 40वें शोक की अवधि के अंत का प्रतीक है। ये जो आज हम लोग अरबाइन मार्ग पर निकले हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, ये जूही हरी कॉलोनी ग्राउंड से लेकर के नवाबगंज करबला तक हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि नमाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज चेलूम है और इसी गरज से हम लोग हरी कॉलोनी से नवाबगंज करबला तक पैदल जा रहे हैं, क्योंकि लोग करबला में इराक में मशी करते हैं, पैदल चलते हैं, पैदल मार्च करते हैं, उसी गरज से हम लोग ये काम करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं ताकि हमें सवाब मिले, और इसीलिए औरतें और बच्चे सब शामिल हैं और सब नवाबगंज करबला जा रहे हैं।